11 मार्च साल 1991 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में जन्मी पूनम पांडे को शुरू से ही ग्लैमर की दुनिया में जाने की चाह थी, लेकिन ये कौन जानता था कि महज 32 साल की उम्र में पूनम पांडे इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ जाएंगी। जी हाँ, इस खबर को सुनकर हर कोई शॉक्ड हो गया है। किसी को भी इस बात पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है। बोल्ड स्टार पूनम पांडे का हुआ निधन, सर्वाइकल कैंसर से गई एक्ट्रेस की जान। महज 32 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे के निधन की खबर ने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया है। उनकी मौत की खबर खुद उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से दी गई है। आपको बता दें, अभी तक इस खबर पर पूनम पांडे के फैंस को यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन इंस्टाग्राम पर पूनम पांडे की टीम ने उनकी मौत के बारे में एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में एक्ट्रेस की टीम ने लिखा है, आज सुबह हमारे लिए कठिन है, आपको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमने सर्वाइकल कैंसर के कारण अपनी प्यारी पूनम पांडे को खो दिया है। जो भी कोई उनके संपर्क में आया वो उससे दयालुता और प्रेम से मिली। दुख की इस घड़ी में हम गोपनीयता का अनुरोध करेंगे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आई है वो शॉकिंग खबर जिसने लोगों को जोर का झटका दिया है। बोल्ड एक्ट्रेस पूनम पांडे अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। 2 फरवरी यानी कि आज की सुबह को पूनम पांडे का निधन हो गया है। पूनम की टीम की तरफ से बताया गया है कि सर्वाइकल कैंसर के चलते उनकी जान चली गई है। पूनम पांडे ने अपने होम टाउन कानपुर में अंतिम सांसें ली है। लोगों को इस खबर पर यकीन कर पाना मुश्किल हो गया है। हर कोई इंस्टाग्राम का ये पोस्ट देख हैरत में है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आपको बता दें, ठीक इस पोस्ट से 3 दिन पहले पूनम पांडे ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वे ग्लैमरस लुक में नजर आई थी। इस पोस्ट को देख कोई नहीं कह सकता कि वह कैंसर जैसी घातक बीमारी से जूझ रही थी। इस वजह के चलते कुछ लोग इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शायद किसी ने पूनम पांडे का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया है, तो वहीं कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि ये पूनम पांडे का कोई पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है। पूनम पांडे कई बार अपने बयानों के चलते विवादों में आई थी। साल 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के दौरान वह काफी चर्चा में आई थी जब उन्होंने एक वीडियो मैसेज शेयर कर कहा था कि अगर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है तो वे अपने कपड़े उतार देंगी। उनके इस वीडियो मैसेज के बाद काफी हंगामा भी देखने को मिला था। साल 2013 में पूनम पांडे ने फिल्म नशा से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। आखिरी बार पूनम पांडे को कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप में देखा गया था।